जय जन शक्ति से मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल निमेश आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गाइज, वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप HDFC बैंक के यूजर हैं और आपको मोरेटोरियम की आवश्यकता है तो आप थंबनेल देख करके समझ गए होंगे मैं आपको इसमें क्या बताने वाला हूं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करें, वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं ना वो एकदम एविडेंस के साथ देता हूं और एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन देता हूं। एकदम हमारी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो जेन्युइन होती है, हम किसी प्रकार का आप लोगों को मैनिपुलेट नहीं करते, हम किसी प्रकार की आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देते, जो रियलिटी है जो फैक्ट है वो आपके सामने ला करके रखते हैं। तो गाइज, मैं आज मॉर्निंग में, हालांकि इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का कोई मेरा मन नहीं था, मैं आपको क्लियरली बताऊं, बट मैं मॉर्निंग में देख रहा था कि कुछ यूट्यूब चैनल्स पर बताया जा रहा था कि HDFC बैंक ने सभी ग्राहकों को मोरेटोरियम दे दिया है, अब आपको बड़ी खुशखबरी मिल गई है। उस व्यक्ति का कहना था अब आपको भाई लोग बड़ी खुशखबरी मिल गई है, तो हमने सोचा कि हम भी देखते हैं इस बड़ी खुशखबरी का आखिर क्या रहस्य है। हमने भी उसकी गाइडलाइंस को देखा तो हमने सोचा कि इसमें हमें प्रतिक्रिया देना सही नहीं होगा, हम आपको डायरेक्टली वहां पर लेकर के चलते हैं कि आप खुद ही अच्छे तरीके से समझ जाएं। तो गाइस चलिए मैं आपको वो वेबसाइट दिखाता हूं जहां पर HDFC बैंक के द्वारा रीस्ट्रक्चरिंग 2.0 के लिए, मोरेटोरियम के लिए क्या क्या पॉलिसीज बताई गई हैं, क्या सारी कंडीशंस हैं, कौन कौन व्यक्ति एलिजिबल है, उसने सारा डिटेल में मेंशन किया हुआ है। लगभग 32 पॉइंट्स भी उन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं, जिन्होंने उन्होंने एक एक तरीके से बारीकी से समझाया हुआ है अपनी। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सारी चीजें हैं इन्होंने यहाँ पर प्रॉपर डिटेल में मेंशन किया है, इसको कौन व्यक्ति ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, ठीक, या आप खुद देख लीजिएगा और खूब आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराऊंगा जिससे कि आपको आसानी हो समझने में आखिर किस व्यक्ति को मिल सकता है, कौन व्यक्ति इसका लाभ ले सकता है, क्या ये सभी को मिल सकता है। तो देखिए, आप खुद ब खुद पढ़ें और खुद ब खुद इस चीज का डिसीजन लें। और बहुत सारे यूट्यूबर आपको भ्रमित करते हैं कि भैया ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो मेरा उन यूट्यूबर भाइयों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, मेरे पास निरंतर आप लोगों के खिलाफ बहुत ज्यादा मेल्स आते हैं कि भैया ये यूट्यूबर हमें गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसने बताया क्या था और था क्या। तो भैया आप स्वयं देखा करो और देखो यार, यूट्यूबर हम लोग सभी एक हैं, सभी यूट्यूबर सही जानकारी प्रोवाइड कराते हैं, अगर कोई मिस्टेक भी हो गई है किसी से तो कमेंट में उसको बता दिया करो, बट ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में उसने ये कह दिया वो कह दिया, अरे ठीक है उसको मैं समझा दो कि भाई ये इन्फॉर्मेशन गलत हो गई है, वो उसको ठीक कर देगा। लेकिन भाई ऐसे किसी से कंट्रोवर्सी ना करो, लड़ाई झगड़े वाला कोई मैटर ना करो, आपस में सभी लोग एक ही हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए बहुत सारे इन्होंने पॉइंट समझा रखे हैं रीस्ट्रक्चरिंग के लिए, मोरेटोरियम के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन व्यक्ति ले सकता है, कौन कौन नहीं ले सकता है, तो आप अपने स्तर से ही इसको रीड कर लीजिएगा, मेरे द्वारा इसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बस मेरे को आपको यही बताना था इस वीडियो में, अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और गाइज, अगर आप चाहते हैं किसी और प्रकार की जानकारी प्राप्त करना, कमेंट कीजिए, मेल कीजिए, हम आपको बेटर से बेटर फाइनेंसिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ला करके देंगे।